हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़े थे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ब्लड ब्लड वेसल्स और लिम्स के बारे में, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स होता कैसे है और ये ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स से कैसे डिफरेंट है। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में हमने देखा था कि एक पंपिंग ऑर्गन था जो कि ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल को पूरे बॉडी में भेज रहा था थ्रू ब्लड वेसल्स, है ना, थ्रू वेसल्स पाइपलाइंस। और ये जो पाइपलाइंस था, इसमें एक तरह का पाइपलाइन का एक खासियत था कि वो डिफ्यूजन मीडियम प्रोवाइड कर रहा था, जिससे ये ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल सारा मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर पा रहा था, मतलब एक्सचेंज कर पा रहा था, ऑक्सीजन को दे पा रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड को ले पा रहा था। तो क्या प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है? प्लांट्स में डिफ्यूजन तो होता है, डिफ्यूजन, क्योंकि देखा जाए तो एनिमल्स में भी मेनली आपका डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन को करवाने के लिए इतना तरीका है, झोल झाल है, लेकिन बेसिकली आपका जो चीज़ है, मेन चीज़ है, वो डिफ्यूजन है। तो प्लांट्स में भी क्या सिर्फ डिफ्यूजन ही मेन चीज़ है, और क्या और कोई भी फोर्स होता है? तो हाँ, डिफ्यूजन इसमें मेन है, लेकिन सिर्फ डिफ्यूजन काफ़ी नहीं है, मतलब कि इसमें भी डिफ्यूजन के लिए तामझाम है। क्या तामझाम है? तो जैसे एक छोटा प्लांट अगर आप लो, जो छोटा जो जस्ट उगा है, इतना छोटा सा प्लांट है, ये बहुत बड़ा होता नहीं है, तो इसमें सिर्फ डिफ्यूजन से चला जाता है। तो क्या इसका प्रोसेस नहीं पड़ता? तो और एनिमल्स और प्लांट्स में अगर आप देखो तो एक मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है। जैसे कि हम अभी हम बोल रहे हैं, तो ये जो हम बोल रहे हैं, ये हम पहले माइंड में सोच रहे हैं कि हाँ क्या बोलना है मुझे, उसके बाद वो मैसेज आ रहा है हमारे टंग तक और वो एक टिपिकल तरीके से बोल रहा है, फिर ये टंग को मूव करने में भी एनर्जी लग रहा है, ये जो हम लोग थॉट जो हम सोच रहे हैं ये भी, इसमें भी एनर्जी लग रहा है, और वो उस थॉट को टंग तक लाने के लिए, मूवमेंट करवाने के लिए, उसके लिए भी एनर्जी लग रहा है। तो जब हम इतना एनर्जी इतने कम टाइम में यूज़ कर लेते हैं, एक मिनट में हम कितने सारे सेंटेंसेस बोल देते हैं, और उस पूरे एक मिनट में उतना सारा सेंटेंस बोलने के लिए हमें कितना ज़्यादा एनर्जी लग जाता है। तो हमें सर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है बहुत सारा मूवमेंट्स करने के लिए, उसी कारण से हमारा एनर्जी नीड बहुत ज़्यादा है, और इतना रैपिड एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो हमारे पास फास्ट तरीका तो है, बट उतना एफिशिएंट तरीका नहीं है, क्योंकि हमारा एक सर्टन हाइट है, सिर्फ इतना के बीच में ही हमें ट्रांसपोर्ट करना है। हम बहुत ज़्यादा ऐसे फैले हुए नहीं हैं, बहुत कॉम्पैक्ट है हमारा बॉडी, तो इसके कारण हमारा जो तरीका होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो फास्ट होता है बट एफिशिएंट इन द सेंस कि मतलब अगर आपको बहुत लंबा दूरी तक चाहिए, बहुत लार्ज एरिया कवर करना है, तो उसके लिए शायद ये प्रॉपर ना हो। बट प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में एकदम रैपिड नीड नहीं है, मतलब एनर्जी धीरे धीरे भी मिलेगा तो भी चलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नीड्स नहीं है उसका। बिसाइड्स क्या है कि उसमें बहुत सारे डेड सेल्स हैं, हमारे पास डेड सेल्स होते नहीं हैं, हमारे सारे लिविंग सेल्स होते हैं, उनके पास डेड सेल्स होते हैं, तो डेड सेल्स को तो ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है। प्लांट्स में बहुत सारा ऐसा सेल्स है जिसको मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है, तो जब मेंटेनेंस नहीं चाहिए तो फिर एनर्जी डिफ्यूजन हो उसमें नहीं हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, डिफ्यूजन इनफैक्ट वो डिफ्यूजन को सरपास भी कर सकता है। तो इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी नीड नहीं है, प्लस उसमें मेंटेनेंस का ज़रूरत कम है, इसीलिए उसमें स्लो तरीका भी काफ़ी है। ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे होगा तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में मेन डिफरेंस। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है? तो उसमें भी एक तरीका है, जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग कैरी करने के लिए, बस उसी तरह से प्लांट्स में भी एक टिश्यू है, उस टिश्यू के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि प्लांट में इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो एक्चुअली आपका दो तरह का टिश्यू है। पहला तो है जाइलम, ठीक है, प्लांट्स में आपका दो तरह का टिश्यू है, पहला तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है, लास्ट क्लास में था नाइन्थ क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम, इसमें जो मेन डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, वो तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं।
तो क्या होता है, जाइलम जो होता है ये आपका वाटर कंडक्शन यानी कि वाटर और मिनरल्स यानी कि सैप कंडक्शन, ठीक है। तो जाइलम जो है ये आपके सैप कंडक्शन में मदद करता है, और फ्लोएम जो है ये आपका फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या है, ये सैप कंडक्शन, और फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट। अब इनके बारे में हम कैसा स्ट्रक्चर होता है कैसा नहीं होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले के क्लासेस में, तो अभी हम लोग बात इस पर नहीं कर रहे, ठीक है। तो बेसिकली ये है जाइलम और फ्लोएम कंडक्शन के लिए, कंडक्शन के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उस पर बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम में क्या होता है, जाइलम बेसिकली आपका देखो सैप कंडक्शन कर रहा है। सैप कंडक्शन मतलब वाटर और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीव्स, ठीक है, सॉइल से लीव्स तक जो हो रहा है सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है प्लांट्स में, ठीक है। आप दूसरा चीज देखो कि छोटा प्लांट में तो मैंने कहा कि डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन से इजी हो जाता है कि छोटा सा प्लांट है डिफ्यूजन कर करके ये जो पानी ऊपर चढ़ रहा है ये चढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर लीव से जो पका पकाया खाना है वो भी इधर उधर मूव कर पाएगा, ये वो तो फ्लोएम के थ्रू करेगा बट हाँ कर पाएगा इजीली थ्रू डिफ्यूजन क्योंकि प्लांट छोटा सा है। बट जब बड़ा हो जाएगा बहुत लंबा लंबा ट्रीज होता है, उन लंबे लंबे ट्रीज में क्या होता है प्रॉब्लम कि डिफ्यूजन काफ़ी होता नहीं है, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ये थोड़ा सा, ये दोनों का जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो होता है। स्लो क्यों होता है कैसे काम कर रहा है, तो पहले वो देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जाइलम से। जाइलम को एक ही काम है क्या है कि नीचे जो सॉइल है, सॉइल में जो पानी है, पानी को लेकर के ऊपर जाना, यही काम है। तो क्या करता है जाइलम, ये जो रूट होता है, ठीक है, ये रूट फैला हुआ है आपका अलग अलग मतलब बहुत लंबा चौड़ा तक दूर दूर तक फैला हुआ रहता है ना, ठीक है। तो रूट के एंड्स पर क्या होता है कि आयन, पहले आयन ये क्या करता है, रूट जो क्या करता है ये एक्टिवली मतलब एनर्जी यूज करके कुछ आयन्स को अपने पास दबा लेता है, ठीक है, दबा लेता है। तो क्या होता है, यहाँ हो गया हाइपरटोनिक, बाहर हो गया हाइपोटोनिक, है ना, ये आयन्स को पकड़ लिया तो क्या हो गया, बाहर हो गया हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक हो गया ना, बाहर का आयन तो कम हो गया और इसमें आयन ज़्यादा हो गया, तो ये हाइपोटोनिक हो गया, बाहर में हाइपोटोनिक हो गया, डिफ्यूजन करके पूरा पानी सरसरा के पहुँचेगा। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, जैसे ही पानी यहाँ पर आया तो क्या होगा, अभी भी ये हाइपरटोनिक ही है, तो ये क्या होगा कि और पानी इसमें लगातार घुसना चाहेगा इसको बैलेंस करने के लिए, बट यहाँ पर तो आपका प्रॉपर पाथवे बना हुआ है ना ऊपर जाने के लिए, रूट्स के पास तो प्रॉपर पाथवे बना हुआ है ऊपर जाने के लिए शूट के तरफ। तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे ऐसे ही करके आगे बढ़ता चला जाता है। इधर पानी जो आता है, आगे स्पेस भी है और पीछे से इधर से पानी भी मिल रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए पानी भी भाग रहा है इस तरफ, तो और आगे स्पेस भी मिल जा रहा है, तो इसको प्रेशर मिल जा रहा है, रनिंग मिल जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि एक बच्चा को धक्का दे करके भेजा गया एक क्लासरूम में, पीछे से उसके और ढेर सारे बच्चे हैं, तो क्या करेगा दूसरा बच्चा पहले वाले को धक्का देगा, अरे जाके भी रहा जल्दी जाओ, उस तरह से तीसरा दूसरे को धक्का देगा, इस तरह से देते देते अगर आगे लाइन है मतलब अगर स्पेस खाली है तो इस तरह से धक्का देते देते कितना आगे तक पहुंच जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि इधर से धक्का देते देते क्या होता है कि पानी धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है रूट में, कंसेंट्रेशन का जो डिफरेंस है, इसके कारण जो पानी का जो कॉलम बन रहा है, ठीक है, जो प्रेशर आ रहा है पानी का, जिस प्रेशर से पानी आ रहा है उस प्रेशर को हम लोग रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है सॉइल में कि जो रूट का जो एंड है, ठीक है, ये कुछ आयन्स को पकड़ ले रहा है, इससे वो हाइपरटोनिक हो जा रहा है और बाहर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो उसे क्या हो रहा है कि पानी घुस रहा है और एक बार जो घुस रहा है उसको पीछे वाला धक्का दे रहा है, क्यों, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का कोशिश में,
तो वो इसी तरह से पानी आगे चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, और तब तक जा रहा है जब तक बाहर और अंदर दोनों, मतलब दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो रूट प्रेशर जब तक न्यूट्रलाइज ना हो जाए तब तक पानी चढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब ये छोटा प्लांट में फिर काफ़ी है, छोटा प्लांट बोलने से मतलब अभी तक हमने छोटा प्लांट का बात किया जिसमें सिर्फ डिफिशेंट काफ़ी था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीडियम साइज प्लांट का, ठीक है। तो मीडियम साइज प्लांट में भी रूट प्रेशर ठीक ठाक रहेगा मेंटेन करने के लिए, बट बड़े प्लांट में जो बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें क्या ये रूट प्रेशर काफ़ी है एकदम ऊपर तक पहुँचाने के लिए। तो उस सिर्फ यही नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी और कुछ चल रहा है इस प्लांट में, क्या है। तो पहले उसके लिए प्लान बना लो, देखो ये है, जैसे ये मान लो ट्री आया यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से आपका ट्री है, ठीक है। ट्री का एक लीफ आप पकड़ो, तो यहाँ पर बहुत सारे लीफ्स है ऑब्वियसली, और एक लीफ में कितना सारा स्टोमाटा है। तो ये हमने बात किया था कि स्टोमाटा से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। प्लांट का जो स्टोमाटा है वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर का ट्रांसपिरेशन के लिए ही है, ठीक है, वाटर ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बेसिकली वाटर का जो लॉस होता है ना, वाटर निकलता है स्टोमाटा से, स्टोमाटा खुलते ही पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आसपास में प्लांट का, आसपास का एरिया को कूल रखने के लिए, प्लांट को कूल रखने के लिए, जैसे हमको भी जब गर्मी लगता है तो क्या होता है, पसीना आता है, ये पसीना जब इवापोरेट होता है तो हमको थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। तो हमारा जो इवापोरेशन है उसी तरह से इनमें जो हो रहा है वो लॉस ऑफ वाटर, वो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। तो प्लांट्स ट्रांसपायर करते हैं, कंटिन्यूसली ट्रांसपायर करते हैं, पानी अपना लॉस करते हैं, और उस लॉस के कारण क्या होता है, यहाँ पर पानी का, इस लीफ में पानी का कमी हो गया, ऐसे ही पूरा ही लीफ में पानी का कमी हो रहा है। तो कमी जब हो रहा है तो इस, ये यहाँ पर इस कमी के कारण एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, जैसे आपको पानी प्यास लगा है, ठीक है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो थोड़ा देर बाद थोड़ा और लगेगा, फिर थोड़ा और लगेगा, फिर थोड़ा और लगेगा, तो इस तरह से करते करते आप पूरा डिहाइड्रेट हो जाओगे। उसके बाद आप कितना भी पानी देते रहो, मतलब एक सक्शन हो जाएगा ना, मतलब हाँ, आप जब पानी पियोगे तो आप रुकना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आप कितना भी पानी पी लो आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंसी हो गया है। तो उसी तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर पानी लॉस हो रहा है। तो इसके पास वाला जो सेल्स था उसका वो ले लिया पानी, उसके पहले वाला का ले लिया, इस तरह से काफ़ी लंबा, काफ़ी एक कॉलम ही बन गया जहाँ पर वाटर डेफिशिएंट सेल्स है। तो इतना लंबा जब कॉलम वाटर डेफिशिएंट सेल्स का हो गया, तो वो और मतलब इस तरह से करते करते क्या होता है कि यहाँ तक मान लो यहाँ तक आपका वाटर डेफिशिएंट सेल्स हो गया, तो क्या करेगा, यहाँ से और पानी खींचेगा। तो ये वाला जो पुल होता है, यह क्या करता है, मतलब ये जो, इसका जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इस ट्रांसपिरेशन के कारण एक पुल क्रिएट हो रहा है, एक कॉलम क्रिएट हो रहा है जहाँ पर पानी का कमी है। तो इस कॉलम के कारण ये जो यहाँ तक आया था पानी, ये और ऊपर खींचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ट्रांसपिरेशन चल रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या हो रहा है, अब देखो, आप बेसिकली यही है कि पहला रूट प्रेशर के थ्रू पानी घुस रहा है और ट्रांसपिरेशन पुल से पानी निकल रहा है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल से पानी और आगे बढ़ रहा है, रूट प्रेशर से क्रिएट हो रहा है। ये रूट का जो सेल्स है वो आयन्स पकड़ करके रख लिया, इससे क्या हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, पूरा पानी सरसर आगे घुसा, और घुसने के कारण जो स्पीड में घुसा उसके कारण वो एक प्रेशर क्रिएट हो गया जिसको हम कह रहे हैं रूट प्रेशर। इस रूट प्रेशर के कारण काफ़ी हाइट तक प्लांट का वाटर जो होता है वो जा पाता है, और उसके बाद ऊपर में से ट्रांसपिरेशन चल रहा है कंटिन्यूसली, क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वाटर डेफिशिएंसी कारण एक सक्शन वाटर के लिए क्रिएट हो रहा है, पानी और ऊपर खिंचा रहा है, और उस वो जो ये जो डेफिशिएंसी जो क्रिएट हो रहा है, इस ये जो फेनोमेना है इस डेफिशिएंसी के क्रिएट होने का और जिसके कारण पानी ऊपर जा पा रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो बेसिकली प्लांट्स में ये दो चीज़ है जिसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, ठीक है, ये पूरा ही जो चीज़ हो रहा है ये जाइलम में हो रहा है। तो पूरा ही जो प्रोसेस है ये आपका सैप कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब सैप कंडक्शन में बेसिकली आपका दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जाइलम में हो रहा है,
जाइलम का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताने का जरूरत नहीं, आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है जाइलम में, ठीक है। अब एक बात और जो आपके जानने लायक है कि दिन में क्या होता है कि सन रहता है, सन के कारण वाटर ट्रांसपिरेशन और तेजी से होता है, क्योंकि प्लांट भी तो हीट हो रहा है ना, उसको कूलिंग के लिए क्या करना है, ट्रांसपायर करना है, तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो दिन में ट्रांसपिरेशन फुल ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशन फुल ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन फुल मेन फैक्टर होता है आपका सैप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बट रात में क्या हो रहा है, पेड़ तो ठंडा हो गया, सन है नहीं, तो लॉस ऑफ वाटर भी नहीं हो रहा उतना, स्टोमाटा खुल भी रहा है तो बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो भी बहुत कम होता है रात में, तो उतना पता नहीं चलता है, ठीक है। मतलब उतना ट्रांसपिरेशन फुल उतना इफेक्टिव नहीं रहता है रात में। तो रात में जो मेन प्रोसेस है जिससे सैप कंडक्शन हो पाता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो दिन में जहाँ ट्रांसपिरेशन फुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से रात में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही दो प्रोसेस के कारण आपका सैप कंडक्शन प्रॉपरली चल रहा है प्लांट्स में, और ये सिर्फ और सिर्फ जाइलम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्लोएम में कैसा होता है। तो हमने जैसे बात किया था कि जाइलम में हमेशा यूनि डायरेक्शन होता है, हमेशा रूट से लेकर के लीव्स तक जाता है वाटर सैप, तो हमेशा यूनि डायरेक्शन होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। फ्लोएम के केस में ये दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इट इज़ मल्टी डायरेक्शन, आप कह सकते हो बाई डायरेक्शन भी कह सकते हो, आपकी जो मर्जी, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन की, क्योंकि लैटरली भी तो जा रहा है ना, तो बाई डायरेक्शन, ठीक है। फ्लोएम में हमेशा बाई डायरेक्शन होता है, मतलब कि खाना आपका ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जैसे प्लांट का नीड है, और ये भी जाएगा कैसे, थ्रू फ्लोएम सेल्स। कौन कौन से हैं फ्लोएम के सेल्स, कम सी सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेंकाइमा है। इसमें से मेन रोल जो आपका होता है वो कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स का होता है, सीव सेल्स मेन है, कंपेनियन सेल्स उसको सीव सेल्स को मदद कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब जाइलम में जितना सिंपल है कि हाँ दो प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस मिलके खींच दे रहा है, फ्लोएम में उतना सिंपल है नहीं। फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम क्या करता है कि सुक्रोज को ज़बरदस्ती लोड करता है एक जगह पानी में, मतलब एक सेल में ज़बरदस्ती लोड करता है, ठीक है। सुक्रोज को एक सेल में कंटिन्यू ज़बरदस्ती लोड किया जाता है, ज़बरदस्ती मतलब एनर्जी डाल डाल के लोड किया जाता है, और जब वो हो जाता है, जब उसमें लोड हो जाता है, तो वो तो हाइपोटोनिक हो गया, और आसपास का हाइपोटोनिक हो गया, तो क्या होगा, आसपास से पूरा पानी रश करेगा उसकी तरफ, ठीक है, आसपास से पानी रश करेगा उसकी तरफ, और उस रश के कारण क्या होगा कि उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही आसपास से पानी आए, तैसे ही वो लोडेड है, ऊपर से और पानी आ गया, तो और प्लस उसका कॉलम भी बना हुआ है, तो क्या होता है, इस रस के कारण वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उस रस के कारण वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और उस प्रेशर के कारण वो मूव कर पा रहा है, नीचे हो ऊपर हो, अगर ऊपर होगा तो कैसे होगा, तो जब नीचे से लोड किया जाएगा, एक्टिवली लोड किया जाएगा, जहाँ पर भी लोड किया जाएगा एक्टिवली लोड किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका जो जाइलम में हो रहा था, जाइलम में एक जगह बस आपको एक्टिवली लोड करना पड़ रहा था, बाकी सारा प्रोसेस खुद ब खुद हो जा रहा था, यहाँ पर उतना सिंपल नहीं है, आपको वहाँ पर लोड करना पड़ेगा और एक जगह पर उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जहाँ पर लोड करना होता है वहाँ पर ज़बरदस्ती भरा जाता है, ठीक है, ज़बरदस्ती भरा जाता है खाने को, और उसके बाद उसके कारण पानी घुसता है, हाइपोटोनिक हो जाने के कारण पानी घुसता है, और उस पानी के प्रेशर से वो नीचे बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे डिफ्यूजन से जिसको उसको लेना है साइड साइड में लिए जा रहा है, फिर एक जगह पर आकर के रुकेगा, उतरेगा, और वहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो खाना होता है इसमें, जो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम में बेसिकली जो चल रहा है वो ट्रांसलोकेशन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है ट्रांसलोकेशन। क्यों? क्योंकि खाने का लोकेशन चेंज किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ चेंज करते हैं, तो जो किचन है, किचन में बनता है खाना, किचन कौन है, प्लांट्स का किचन कौन होता है, लीव्स होता है, तो लीव्स में खाना बना, वहाँ पर से लोड किया गया, और उसको उतारेगा कौन, जहाँ पर उस खाने को स्टोर करना है, जो उसका स्टोरेज हाउस है, तो स्टोरेज हाउस तक पहुँचाना है। तो ये खाना का पोजिशन का चेंज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, समझ आया, ठीक है।
अब किसी जगह पर स्टोर किया गया, मान लो लेट से सीड्स में स्टोर किया गया, कुछ पैरेंकाइमा में स्टोर किया गया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर स्टोर किया गया खाना को जगह जगह पर। अब एक टाइम पर ऐसा होता है जब सारा लीफ गिर जाता है, और आप कह लो फॉल जो कहते हैं, ठीक है ना, ऑटम, ऑटम आप कहते हो, उसमें सारा पत्ता वत्ता गिर जाता है पेड़ का। तो उस समय क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पेड़ है, मतलब आपका कोई किचन नहीं है, बस पेड़ ऐसे ही खड़ा है और खाना ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ है। तो उस समय नया पौधा को खिलने के लिए, नया लीव्स को खिलने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी फिर प्रोवाइड करता है ये खाना पीने, यहाँ जहाँ पे स्टोर्ड है खाना, लेट्स से किसी पैरेंकाइमा में स्टोर्ड है खाना। तो वहाँ से क्या होगा, फिर वहाँ से वो ज़बरदस्ती लोड कर रहा होगा फ्लोएम के एक सेल में, ठीक है, खाना अपना लोड कर रहा होगा। उसके बाद फिर वैसे ही पानी रश करेगा, रश करके फिर वापस वहाँ पर पहुँचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो फ्लोएम में जो प्रोसेस होता है, ये काफ़ी हद तक एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस यानी कि काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उसको ज़बरदस्ती डालना पड़ता है, ज़बरदस्ती उतारना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर कहीं भी चला जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आज हमने बात किया ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।